इंट्रोड्यूसिंग ओप्पो रेनो 7 5G। दोस्तों, ओप्पो की रेनो सीरीज़ का एक और नया और धमाकेदार स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जो कि होगा ओप्पो रेनो 7 5G। दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में काफ़ी टाइम से कुछ लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे थे, लेकिन अब इस फ़ोन के ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशंस कन्फर्म हो चुके हैं। दोस्तों, ये ओप्पो की एक मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको कुछ फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात करूँ फ़ोन की कुछ हाइलाइट्स के बारे में, तो ये फ़ोन एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जो कि है मीडियाटेक डायमेंसिटी 900। साथ में इस फ़ोन में आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और फ़ोन में आपको मिलेगा 60 वॉट की सुपर फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ओप्पो रेनो 7 5G के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ग्लास का बैक देखने को मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश। साथ में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको सिंगल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। पहले बात करते हैं फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड 90 हर्ट्ज की सिंगल पंच होल डिस्प्ले, जिस पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी लाजवाब देखने को मिलेगी, कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा फ़ोन की डिस्प्ले के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 के सेंसर के साथ। दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा। तो फ़ोन की कैमरा क्वालिटी भी आपको काफ़ी लाजवाब देखने को मिलेगी। फ़ोन के कैमरा में आपको कई सारे नए और अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का एक नया और पावरफुल प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, कोई भी लैग हीटिंग इशू आपको फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS 12.0 के साथ। अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 60 वॉट की सुपर फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको दो रैम वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। पहला रैम वेरिएंट होगा 6GB 128GB, दूसरा रैम वेरिएंट होगा 8GB 128GB। अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। तो फ़ोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला है, यानी कि 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 25,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में 2022 जनवरी के मिड तक। तो दोस्तों, ओप्पो की रेनो सीरीज़ का ये स्मार्टफोन काफ़ी लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।